सुपरस्टार प्रभास, कृति सनेन और सैफ अली खान के लीड रोल वाली फिल्म आदि पुरुष का टीजर एक दिन पहले ही रिलीज किया गया है। इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। हालांकि टीजर के रिलीज होने के बाद इसकी काफी आलोचना की जा रही है, बल्कि इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। अब इस विवाद में हिंदू महासभा भी कूद गई है। दरअसल जैसे ही फिल्म का टीजर रिलीज किया गया, उसके तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर इसके लीड एक्टर्स, खास तौर पर सैफ अली खान के रावण लुक की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना और मजाक उड़ाया जा रहा है। सैफ के किरदार लंकेश रावण के लुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा है और इसकी तुलना औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी से की जा रही है। सोशल मीडिया पर काफी आलोचना के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने फिल्म में सैफ अली खान के लुक की निंदा की है। महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणि महाराज ने कहा, भगवान शिव के भक्त लंकापति रावण की भूमिका में सैफ अली खान का ऐसे चित्रण किया गया है जैसे वह आतंकी खिलजी, चंगेज खान या औरंगजेब है। न तो शिव भक्त लंकेश के माथे पर तिलक है और न त्रिपुंड। हमारे पौराणिक चरित्रों के साथ ऐसा बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चक्रपाणि के अलावा बीजेपी की प्रवक्ता मालविका अविनाश ने भी अपनी एक पोस्ट में फिल्म में सैफ अली खान के लुक की आलोचना की है। उन्होंने लिखा, वाल्मीकि रामायण और इतिहास के रावण लंकाधिपति शिव भक्त जो 64 कला में पारंगत थे, जिन्होंने सभी 9 ग्रहों को अपने सिंहासन में लगवा लिया था, फिल्म में ऐसा कार्टून बनाने की क्या जरूरत थी। मैं मानती हूं कि यह तैमूर का पिता है, लेकिन बॉलीवुड के लोग इतने बेवकूफ हैं जो थोड़ी सी रिसर्च भी नहीं कर सकते। बता दें कि आदि पुरुष को डायरेक्टर ओम राउत ने डायरेक्ट किया है। ओम राउत नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर है और इनकी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। सुपरस्टार प्रभास, कृति सनेन, सैफ अली खान स्टारर आदि पुरुष अगले साल 12 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, चैट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।